आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब से, माननीय नेता राहुल गांधी से, हमारे माननीय नेता वेणुगोपाल जी से और माननीय प्रभारी हमारे मीर साहब से मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर हम लोग कल हम लोग परसों निकल रहे हैं रांची, वहां पदभार ग्रहण करने के बाद फिर संगठन के काम में हम लग जाएंगे। सर, सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई चर्चा आज हुई है? कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? अभी उस संबंध में कोई चर्चा हमारे साथ नहीं हुई है। अभी मैं हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं और मेंबर हैं उनके साथ फिर हम लोग बैठक करने वाले हैं। क्या सर, चंपई सोरेन को मनाने को लेकर भी चर्चाएं हैं, क्योंकि वो बताया जा रहा है नाराज हैं, ऐसे में कोई कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी या जेएमएम? देखिए, उस संबंध में कहूं बराबर गठबंधन की सरकार ने उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है। पार्टी में जेएमएम ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, गठबंधन की सरकार में उनको सम्मान दिया गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। इसलिए उनके नाराजगी का जो भी बातें हैं वह उनको सम्मान देने का ही काम किया है, नाराजगी का कोई ये नहीं है। आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब से, माननीय नेता राहुल गांधी से, हमारे माननीय नेता वेणुगोपाल जी से और माननीय प्रभारी हमारे मीर साहब से मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर हम लोग कल हम लोग परसों निकल रहे हैं रांची, वहां पदभार ग्रहण करने के बाद फिर संगठन के काम में हम लग जाएंगे। सर, सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई चर्चा आज हुई है? कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? अभी उस संबंध में कोई चर्चा हमारे साथ नहीं हुई है। अभी मैं हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं और मेंबर हैं उनके साथ फिर हम लोग बैठक करने वाले हैं। क्या सर, चंपई सोरेन को मनाने को लेकर भी चर्चाएं हैं, क्योंकि वो बताया जा रहा है नाराज हैं, ऐसे में कोई कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी या जेएमएम? देखिए, उस संबंध में कहूं बराबर गठबंधन की सरकार ने उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है। पार्टी में जेएमएम ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, गठबंधन की सरकार में उनको सम्मान दिया गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। इसलिए उनके नाराजगी का जो भी बातें हैं वह उनको सम्मान देने का ही काम किया है, नाराजगी का कोई ये नहीं है।